हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्पेशल बात करेंगे DMLT कोर्स के लिए कि अगर आपका पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें आपका कितना रैंक होना चाहिए कैटेगरी वाइज, जैसे कि UR हो, जनरल कैटेगरी से आते हैं, या EBC, BC, EWS, SC, ST या RCG जो कि गर्ल्स के लिए रिजर्व सीट होते हैं, और उसके बाद DQ, सारी कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, कितना आपका रैंक होना चाहिए, कि कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्पेशल कॉलेज भी बताएंगे और ओवरऑल बताएंगे कि आपको कितना रैंक होना चाहिए जिससे कि आपको कोई ना कोई DMLT कोर्स आप करना चाहते हैं तो आपका एडमिशन आसानी से किसी भी कॉलेज में हो जाएगा। इससे पहले बहुत से कोर्सेज पर वीडियो चैनल पर अवेलेबल है और प्लेलिस्ट में जाएं, आप देख सकते हैं और जो भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे वो देख सकते हैं। अगर किसी तरह के आपको डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसकी रिप्लाई जरूर देंगे। और फ्रेंड, अगर आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी किसी तरह के डाउट आपको रहते हैं तो मिलकर बातें कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। ठीक है, कमेंट पे कितना आपको रिप्लाई देंगे, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ कर हमसे बातें करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप जैसे रैंक कार्ड जो जारी किया गया है उसमें आपको UR यानी कि जनरल कैटेगरी के होंगे तो आपको UR रैंक जारी किया गया होगा, तो सिर्फ आपका UR रैंक होगा, तो उसी को आप कमेंट कीजिएगा, उसी के अनुसार हम आपको बताएंगे, या आप अपने से भी जब वीडियो में बताएंगे तो वही आपको UR रैंक को रखकर अपने दिमाग में रखिएगा। और सबसे पहली बात कि ओपन रैंक, ठीक है, अगर आपका ओमेन कैटेगरी रैंक है तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ओपन कैटेगरी रैंक्स के अनुसार ही कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। तो उसमें ओपन रैंक में अगर आपका UR है तो UR को बताइए, अगर आप कैटेगरी से आते हैं किसी भी कैटेगरी से, जैसे कि EBC हो गया, BC हो गया, या EWS हो गया, SC हो गया, ST हो गया, तो ये जो भी कैटेगरी का आपका रैंक है उस कैटेगरी रैंक को आप कमेंट कीजिए। अगर आप RCG कैटेगरी से आती हैं, गर्ल्स हैं, अगर आपका RCG रैंक ओपन में दिया गया है तो उसको आप कमेंट करें, ओमेन RCG रैंक आपको कमेंट नहीं करना है, आपको जो ओपन RCG रैंक है उसको कमेंट करना है। ठीक है, इस बातों को ध्यान में रखना है और इसी के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होगा, और वीडियो में भी उसी के अनुसार आपको मिलाना है जो हम आपके आगे रैंक बताएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ले चलते हैं, जो कि मैंने खुद से जो पिछले वर्ष एडमिशन हुए हैं, सॉरी पिछले वर्ष 2022 का जो आपका ओपन और क्लोजिंग रैंक था वह BCC के थ्रू ही जारी नहीं किया गया था, तो 2021 के जो जारी किए गए हैं उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे, और लगभग उसी के अनुसार आपका एडमिशन 2022 में हुआ था। 50-100 रैंक इधर उधर हो सकते हैं, मगर लगभग जो भी ओवरऑल अगर रैंक की बात करें तो उसमें आपका अगर होगा तो आसानी से आपको कोई ना कोई कोर्स कॉलेज में एडमिशन DMLT कोर्स में हो जाएगा। अगर आप अन कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर वीडियो है अवेलेबल, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर स्पेशल वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो डेटा हमें पिछले 2021 में जो एडमिशन हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक उसके अनुसार हम बता रहे हैं, और फर्स्ट और सेकेंड और दोनों को मिलाकर ये डेटा तैयार किया गया है। आपको हम दिखा देते हैं कहाँ से हम डेटा तैयार किए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो PDF है इसी के अनुसार से आपको यहाँ से हम डेटा लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें सारे कोर्सेज का एक साथ दिया गया है और कैटेगरी वाइज, तो आपको अलग अलग समझाना हर जगह खोज खोज के कॉलेज को टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने क्या किया है कि एक जगह सारे कॉलेज जितने भी डिप्लोमा ऑफ यानी कि आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स कराते हैं DMLT उसका एक जगह लिख लिए हैं, और जो भी कैटेगरी है उसका भी रैंक लिख लिया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल की आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो है पटना में जो है ये पुराना इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सैनिटरी इंस्पेक्टर का बहुत दिनों से एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो यहाँ पे देखिएगा UR के लिए जो रैंक गया है यानी कि एडमिशन हुआ है, जिनका रैंक 37 से लेकर 1835, ठीक है, 1835 के बीच था, ये ओपनिंग था, यानी कि 37 रैंक जिनका था उससे स्टार्ट हुआ था और 1835
तक का एडमिशन इस कॉलेज में हुआ था। तो इस प्रकार से ई है आपका जनरल कैटेगरी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा कैटेगरी का दिया गया है कि उसका देखिएगा यहाँ पे कैटेगरी अनुसार है। देखिए सिर्फ ईआर का यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कैटेगरी रैंक से ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ पे दिया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं एससी के लिए, तो एससी के लिए 172 से लेकर 484 जिनका बीच में रैंक था, 172 से लेकर 484 के बीच जिनका रैंक था एससी कैटेगरी से, उनको लेबोरेटरी टेक्नीशियन पटना पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसी को डेटा को लिख लिया है एक पेज पर और उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए और आप अच्छे से समझ लें। अब इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे जिस कॉलेज का सबसे अच्छा रैंक गया है, सबसे कम हाई जिसका गया है 401 तक का जिनका रैंक था उनको डीएमसीएच लहरी सराय मिला हुआ है और जिनका ईवर में था, ठीक है। तो जिनका ईवर रैंक अगर 400 के अंदर है उनको डीएमसीएच लहरी सराय मिल चुका था 2021 में। ये रैंक चेंज होते रहता है, देख सकते हैं पीएमसीएच जो कि पटना सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है अगर बात किया जाए तो इसका रैंक जो हाई जाता है, मगर यहाँ पे 637 गया है जबकि यहाँ पे 401 गया है। यहाँ पे टोटल सीट 35 है और यहाँ पे 30 सीटें हैं, फिर भी इतना डिफरेंस है रैंक के बीच। तो हो सकता है क्यों डिफरेंस होता है कि जैसे कि 400 के अंदर जो भी बच्चे हैं स्टूडेंट हैं जो 401 से लेकर 400 के बीच जिनका रैंक है था, इनमें जो लोग डीमल्टी कोर्स करना चाहते थे वो दरभंगा से होंगे, तो उन लोगों को कोशिश होगा कि जो मेरा जिला में कॉलेज है मेडिकल कॉलेज है उसी में हम एडमिशन ले लें, क्यों हम पटना जाएंगे उतना खर्च करके। तो इस सोचकर अगर हो सकता है कि ये क्या किए होंगे कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जो डीएमसीएच है उसको सेलेक्ट किए होंगे, या जो भी अच्छा रैंक जो स्टूडेंट है उनका चॉइस होगा कि नहीं हमको डीएमसीएच में ही एडमिशन लेना। तो इस प्रकार से कभी कभी रैंक इधर उधर हो सकता है, मगर ओवरऑल जो होता है लगभग अगर उतना के बीच आपका रैंक रहता है तो एडमिशन आसानी से कहीं ना कहीं हो सकता है। अब देखिए पीएमसीएच पटना में 637 तक जिनका रैंक था उनको ये कॉलेज मिला हुआ था। अब यहाँ पे साइड में देखिए क्या क्या चीज़ हम यहाँ पे मेंशन किए हैं, यहाँ पे आपका सीट है, ठीक है। डीएमसीएच में 30 सीटों पर एडमिशन होता है, उसके बाद पीएमसीएच में 35 सीटों पर एडमिशन होता है और इसमें आपको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, ठीक है, कि इस कैटेगरी के लिए कितना सीट होगा। तो उस सीट के लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आप समझ लीजिएगा कितना कौन सा कॉलेज में सीट किस कैटेगरी के लिए होता है, मगर ओवरऑल टोटल कितना सीट होता है यहाँ पे आपको बता दिया गया है, उसके बाद कॉलेज दे दिया गया है। अब ई बार में अगर आपका 1 से लेकर 400 के बीच जो भी रैंक आपका है, अगर आप चाहते हैं डीएमसीएच लहरीसराय से डीमल्टी करना तो आप चूज कीजिएगा, तो आसानी से ये कॉलेज मिल सकता है। 500 या 600 के बीच रहेगा भी तो भी मिल सकता है, ठीक है, अगर ज़्यादा रैंक वाले अगर इसको चूज करते हैं। उस प्रकार से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपको देखना है तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर मान लीजिए कि डीएमसीएच में आपको एडमिशन लेना है तो आपका रैंक कितना होना चाहिए, 399 के बीच होना चाहिए। देखिए इसका ईडब्ल्यूएस के भी 400 के आसपास गया है, ठीक है, 399 यानी 400 के आसपास, यानी कि ईडब्ल्यूएस में आपका रैंक 1 से लेकर 400 के बीच है तो भी आपको डीएमसीएच लहरीसराय मिल जाएगा। वहीं पीएमसीएच का देखिए कितना हाई गया है, देखिए ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं वो उनके लिए यहाँ पे दिक्कत होगा क्योंकि पटना पीएमसीएच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 1 से लेकर 184 यानी कि 180 के रैंक के बीच आपका होना चाहिए, 1 से 180 के बीच आपका ईडब्ल्यूएस रैंक होगा तो आपको एडमिशन पीएमसीएच पटना में मिल जाएगा। अब बात करते हैं बीसी के लिए, तो बीसी में आपका 380 के बीच होना चाहिए, पीएमसीएच अगर पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 से लेकर 380 के बीच आपका बीसी रैंक होना चाहिए 380, तो आप इसमें आसानी से एडमिशन मिल जाएगा आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी के लिए यहाँ पे 250 गया है पीएमसीएच में, अगर आपका कैटेगरी रैंक ईबीसी में 250 के अंदर है तो आप सेफ हैं, आपको आसानी से पीएमसीएच मिल जाएगा, मगर अगर आपके 250 के हाई है 300 के ऊपर रैंक है तो आपको पीएमसीएच मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आरसीजी कैटेगरी से बात करें तो आरसीजी गर्ल्स के लिए अगर बात की जाए तो 287 है, यानी कि अगर आपका 280 के आसपास आपका रैंक है गर्ल्स कैटेगरी से आती है तो आपको पीएमसीएच पटना में एडमिशन हो जाएगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। डीक्यू की बात की जाए तो डीक्यू के लिए 163 गया है, वहीं पर एससी की बात करें तो एससी के लिए 172 गया है, यहाँ पर एसटी का सीट नहीं है इसलिए यहाँ पे एसटी के लिए दिखाया नहीं गया है कितना रैंक तक का एडमिशन गया है। तो इस प्रकार से सारे कॉलेज को दिया गया है, अब सभी का कॉलेज को हम एक एक करके बताएंगे हर कैटेगरी तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज में आपको बेहतर होगा। और बच्चे ये पूछते हैं कि कौन सा कॉलेज में हम एडमिशन लें जो कि अच्छा हो सकता है, तो देखिए जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं जो पुराने हैं उसमें आप एडमिशन लीजिएगा तो उसमें बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से टीचर सारा सुविधाएं अवेलेबल है, सब
तौर तरीके अवेलेबल हैं जिससे कि आपको दिक्कत कोई नहीं होगी। अगर नए कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है। ये नहीं है कि अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, अगर आपको नए कॉलेज मिल रहे हैं जो नया अभी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बने हैं उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, थोड़ा सा आपकी परेशानी होगी। वैसे सारी सुविधाएँ वहाँ भी अवेलेबल है, मगर पुराने कॉलेजों में एडमिशन लेने से, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से आपको कुछ बेनिफिट होते हैं। अब देखिए, जैसे PMC पटना में आपको एडमिशन लीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे काम आपको सीखने के मिलेंगे, एक से एक टेस्ट करने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर बहुत दिनों से यहाँ पे पढ़ाई चल रहा है तो इसलिए आपको हर सुविधा यहाँ पे मिल जाएगा। उसी प्रकार जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे कि आपका लहरीसराय हो, यहाँ पे DMCH हो, भागलपुर हो, NMCH पटना हो, या ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पटना में है, ये भी पुराना दिनों से, बहुत दिनों से इसमें एडमिशन चल रहा है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद SKMCH मुजफ्फर हो गया, भीम्स बाबापुरी हो गया, NMCH गया हो गया, बेतिया हो गया, तो ये जितने भी हैं यहाँ तक सभी क्या है, मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, तो इन सभी में एडमिशन लीजिएगा तो बेहतर है। उसके बाद न्यू जो इंस्टीट्यूट खुले हैं PMI पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, आपको वेस्ट चंपारण में है, अरवल में है और भभुआ, यही तीन कॉलेज हैं जहाँ पे वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एडमिशन होता है, और इसका जो रैंक यहाँ पे गया है, कितना कट ऑफ गया है रैंक का, वो यहाँ पे शो किया गया है। अगर ओवरऑल हम बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि अगर आपका रैंक इतना के बीच होगा तो आसानी से एडमिशन हो जाए। अगर आप UR कैटेगरी से आते हैं, देखिएगा यहां पे बताया गया है, UR कैटेगरी से अगर आप आते हैं, ठीक है, अगर आपका रैंक जो है 6116 के बीच, मान लीजिए कि आप सेफ जोन में हैं, तो 6100 के बीच अगर आपका है, 6100 के बीच आपका रैंक है, तो आसानी से आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा DMLT के लिए। EWS की बात करें तो 830 गया, यानी कि मान लीजिए 800 के बीच अगर आपका रैंक है तो आसानी से कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा। BC की बात करें तो 2994 गया है, तो मान लीजिए कि 2900 यानी कि 3000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आप सेफ जोन में हैं, BC कैटेगरी से हैं, अगर आपका 3000 के अंदर रैंक है तो कहीं ना कहीं आपको DMLT कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। EBC की बात करें तो आपका रैंक अगर 2300 के अंदर है, 2300 के आसपास है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। RCG कैटेगरी से बात करें तो यहाँ पे 3100 गया है, यानी कि 3000 के अगर आसपास RCG कैटेगरी से आते हैं आप, बिलोंग करते हैं, अगर आपका 3000 के आसपास रैंक है तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। और SC की बात करें तो 1200 के अंदर आपका रैंक है, ठीक है, SC कैटेगरी से आते हैं और 1200 आपका कैटेगरी रैंक है EBC, तो आसानी से कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद ST की बात करें तो 83 है, यानी कि 80 के आसपास आपका रैंक है तो कोई ना कोई DMLT कोर्स मिल जाएगा कॉलेज में। और DQ की बात करें तो 377, यानी कि मान लीजिए 350 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आसानी से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। इस प्रकार से आप यहां पे समझ सकते हैं इसके अंदर आपका होना चाहिए, इसके ऊपर हाई जाएगा तो आपका एडमिशन होना कम चांस है DMLT कोर्स में, तो ये आप देख सकते हैं। और यहां पे हम मेंशन भी कर दिए गए सबसे किसका कॉलेज का, ये जो कलर किया गया है, देखिए PMI भभुआ में 1661 जो रैंक है उन तक उनको मिला है और यही सबसे हाईएस्ट है, यानी कि इसका अंदर आपका रैंक है तो आसानी से कोई ना कोई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। उसी प्रकार से सारा का कलर किया हुआ है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। फिर भी आपको किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।